तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 6वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 8 चैप्टर खत्म कर चुके थे। ये आपका 9वां चैप्टर है, सजीव विशेषताएं एवं आवास के बारे में। ठीक है, याद रखिए आप लोगों ने अभी तक जितने भी लेक्चर पढ़े होंगे, देखे होंगे 8 लेक्चर तक, उससे पहले हम लोगों ने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के बारे में बात की, हमारा आदि 1 के बारे में बात की, पृथ्वी हमारा आवास है वो भी कक्षा 6वीं की बुक से देखी। ये हमारी लास्ट बुक है कक्षा 6वीं की विज्ञान। तो इसमें आप लोगों ने एक ध्यान तो दिया होगा कि देखा होगा कि कहानी की तरह समझाया गया है, कोई भी हमें टर्म्स अगर बताया गया है शब्द, तो उसकी परिभाषा हमें कहानी के रूप में दी गई है। वो बहुत ही सरल शब्दों में दी गई है कि हमें ज्यादा टेंशन नहीं हुई और ऐसा कोई भी शब्द नहीं हुआ जो हमें समझ में ना आया हो। ठीक है, इसे कहानी की तरह सुनिए या फिर कहानी की तरह पढ़िए, जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो ये 9वां चैप्टर है हमारा, सजीव विशेषताएं एवं आवास। पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का ओदा पर्वतारोहण किया, जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़, देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे, जो उनके मैदानी क्षेत्रों के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल के भी घूमे। यहां से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे भी एकत्रित किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्री तट की सैर की और वहां केजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण थे और शुष्क, तथा कुछ स्थान आर्द्र थे। परंतु उन्हें सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव सजीव वस्तुएं देखी, जीव थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। पूजो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान दिया किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजे को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हैं। पहले ने दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता चला कि लोगों ने जो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवियों की खोज निकाला है। सजीव एवं उनका परिवेश। पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहां किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे, साथ ही चींटियां जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? अब प्रैक्टिकली जानते हैं क्रियाकलाप से। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले वस्तुएं, जंतुएं, पौधे एवं वस्तुओं को देखें। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वस्तुओं, जंतुओं एवं पौधों के नाम भी लिखें सारणी में। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 को भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधों एवं खनिज
खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकारी छोटी बड़ी वस्तुएं व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जंतु या पौधे ना हों, संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्ती पत्तियां जंतुओं के अवशेष हड्डियां हों। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी एवं रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 5 में हमने इसकी चर्चा की थी, कह चुके कि समुद्री जल में लवण घुले रहते हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे। आवास क्या है? आवास क्रियाकलाप 1 में आपके सूचीबद्ध किए गए पौधों एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपने अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9.0 मरुस्थल वाले कॉलम्स और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के होते हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में बिलीय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल में दिन बहुत गर्म रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहने वाले रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश में है। हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधों और जंतु देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल और समुद्र से दो जंतुएं ऊंट और मछली का परीक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। इसलिए जल के बिना भी अनेक दिनों तक रह सकते हैं कौन? ऊंट। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखते हैं। इनमें से कुछ चित्र 9.0 में दिए गए हैं, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा अध्याय 8 में कर चुके हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही है, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायता करते हैं। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली की पंख एवं पूंछ चपटी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल किलोम होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचना उसे जल में रहने में सहायक होती है तथा ऊंट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने में सहायता प्रदान करती है। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल दो उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती, जिसमें वे पर्याप्त पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतुओं को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है उसे हम लोग अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतुओं भिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। याद रखिए यह अनुकूलन की परिभाषा के लिए पूरा कहानी बताई गई। जैसी आपकी भौगोलिक स्थिति होगी इसी तरह आदमी भी बदलता रहता है। अब आपने देखा होगा कि मरुस्थल में राजस्थान तरफ क्या ऊंट पाए जा रहे हैं और समुद्र की तट पर क्या पाए जा रहे हैं? आपके मछली पाई जा रही, पानी वाले जीव पाए जा रहे हैं। ऐसे जम्मू कश्मीर में जाइए, वहाँ आपको भेड़ और याक मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति वैसी है। और इंसान भी बदल जाते हैं ना, आप देखिए कहीं गोरा कहीं काला,
मतलब जहां उनकी भौगोलिक स्थिति है, जिस प्रकार से अफ्रीका आपका पूरा काला हो गया, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। आगे बात करते हैं, किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। देखिए इसमें क्या समझाने लायक है, बताइए। आप लोग ध्यान से खुद सुनेंगे एक दो बार, आराम से क्लियर हो जाएगा। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ वास स्थान, एक घर है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन घास के मैदान, मरुस्थलीय तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र, जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, उसे हम लोग जलीय आवास कहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घासों के मैदान, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे कि पौधे एवं जंतु, उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक होते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया के कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो हमें कुछ दिनों तक सांस लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारे शरीर पर्वतीय क्षेत्र की वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है। हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे मोटे छोटे छोटे परिवर्तन को पर्यनुकूलन कहलाता है। यह परिवर्तन हजारों वर्ष में हुए अनुकूलन से भिन्न है। क्रियाकलाप से भिन्न, अध्याय एक में किए गए क्रियाकलाप पांच का स्मरण कीजिए। इसकी क्रियाकलाप में मूंग की बीज से अंकुरण निकल आता है, अर्थात भी अंकुरित हो जाते हैं। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ होता है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भींगे हुए बीजों को चार हिस्सों में बांटें। उनमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डूबो कर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं। भींगे बीजों में से एक भाग का को धूप वाले कमरे में, दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रख दें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में, या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें और अधिक जल को निकाल लें। कुछ दिन बाद आप क्या देखेंगे, क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? क्या आपने पाया है कि वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं? वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिए, वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा, ये आपके हर, चाहे वो आपका कोई पौधा हो या इंसान हो, हर किसी के लिए आवश्यक है। और वे एक प्रकृति ने एक समानांतर बना दिया है, मतलब एक निश्चित परिवेश बना दिया है। अगर इसमें कोई छेड़छाड़ करता है तो ही फर्क पड़ता है किसी जीव को, वरना प्रकृति ने सबके लिए बराबर बना दिया है। ठीक, गांधी जी ने, आपने सुना होगा कि गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति मनुष्य की पूर्ति को, मनुष्य की जरूरत को पूरा कर सकती है, मतलब सबकी जरूरत को, लेकिन किसी एक इंसान की आवश्यकता, मतलब उसकी
इच्छा को पूरा नहीं कर सकती। इसी तरह से था, क्या था? अब आप लोग अगर सही पता हो तो लिख देना, ठीक है। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे, बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यह अनुकूलन काम करता है। अनुकूलन अल्प काल में नहीं होता है, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के जीव घटकों में परिवर्तन हो आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, वे मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजीव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों, इसके अजैव घटकों, उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों के अनुकूलन का अध्ययन करते हैं हम लोग। विभिन्न आवासों की यात्रा, कुछ स्थलीय आवास हैं। मरुस्थल, मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो वे जंतु बाहर निकलते हैं, ठीक है। मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे भी हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को दर्शाया जाता है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं? क्रियाकलाप पांच में तीन, गमले में लगाकर एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथिन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय सात के क्रियाकलाप चार में हमने पौधे को में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करने के समय बांधा था। गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इनका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? आप दोनों पॉलीथिन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों सूल का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागपनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना होता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। फिर बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों को। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। 9.6 में इस प्रकार, ठीक। यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं या अथवा वहां घूमने गए हों तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अनेक क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थिति के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनमें मोटी त्वचा हर ठंड से उनका बचाव करते हैं। उदाहरण के लिए शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है।
पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होती हैं। वह यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाती है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालकर चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाती है। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है। हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूल में विविधता दिखाई देती है। फिर आपका घास स्थल क्या है? घास स्थल शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए, ठीक है, ये आपका हिरण, ये आपका शेर है। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व में हैं? शेर के अगले पैर की नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। क्या रखता है? छिपाए रखता है। उस शिकार को पता भी नहीं चलता है। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। एक दूसरा है जंतु हिरण, जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों के को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाता है की उपस्थिति में जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरण की तेज गति उसे शिकार से दूर भागने में सहायक होती है। शेर हिरण अथवा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचना होती है। उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बना दिए। अब बात करते हैं कुछ जलीय आवास देख लेते हैं। समुद्र क्या है? समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूल लन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। दूसरे बहुत से समुद्र जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्वायर्ड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ जंतुओं समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब जल में वे चलते हैं तो उनका शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनके गिल या किलोम होते हैं। डॉल्फिन एवं हेल जैसे जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं सांस द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? तालाब एवं झील के बारे में बात करते हैं। क्या आपने तालाब, झील, नदियों, नालों में पौधों को उगते देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए, वहां देखिए कि देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। दिखाई देने वाले इन पौधों की पत्तियों, तने और जड़े किस प्रकार व्यवस्थित हैं? कुछ जलीय पौधे हैं,
आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर होती हैं, कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न होते हैं। इनमें से कुछ पौधे की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर होती हैं। स्थलीय पौधे में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना है। क्या है? जवाय रखना है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। क्या होता है? हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पिलवन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। ऐसे पौधे के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक एवं पतले रिबन की तरह होती हैं, यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधे में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं पहुंचती है। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाल लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके पश्चपाद में जालयुक्त पनगुलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। हमने केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 7 में सुझाए गए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपस्थित पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें, तो उसमें कितनी विविधता होगी। अब बात करते हैं हमारे आसपास के जीवों के बारे में। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की और अनेक पौधे एवं जंतुओं की चर्चा की है। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची भी देखी है। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव कि कौन से उदाहरण है, आइए वन में पाए जाने वाले वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जलवायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक, काई, वन में पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है और कौन निर्जीव है? अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए, उन्हें निर्जीव एवं सजीव में सूची में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरण के लिए, हमारी कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है। पहली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही है। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है कि मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ, एवं अपने पैरों की विवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते तो हम थोड़ा बोल पाते। प्रार्थना करो हम वायु ले सकें। मेज ने कुर्सी से कहा। कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम कैसे कैसी मूर्खतापूर्ण बात करती हो, जब तुम जानती हो कि हम चल नहीं सकते हैं। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज, मेरे पास भी उतना ही पैर हैं जितने तुम्हारे। हम दो पैरों पर क्यों नहीं चल सकते? पहले वो जो को कविता बहुत मजेदार लगी, क्योंकि वे जानते हैं कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये ना तो चल सकते हो ना ही बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं। हमारे ही तरह संसार के सभी मनुष्य एवं कुर्सी सॉरी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सजीव हैं। यह समझ में आया? हम जानते हैं कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट
जैसे जंतु सजीव में आते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता है। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते हैं। दूसरी ओर एक कार बस चल सकती है, फिर भी वह हमें उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे कि आकाश में बादल अपने आप आकार में वृद्धि कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि बादल सजीव हैं? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीव में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग रखते हैं? आप स्वयं सजीवों का बहुत अच्छा उदाहरण है। आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कौन से लक्षण अन्य वस्तुओं अथवा पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय एक और दो में हमने यह जाना है कि सजीव जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए, विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीव को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव विक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते? क्या ऐसा नहीं है कि इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं? आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप हर समय वृद्धि हो रही है। कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क जाते होते हैं। आपने आवश्यक देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके एक मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे एवं तथा नवजात होते हैं, तो कुछ विकसित होते हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए। आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। एक पॉइंट यहाँ याद रखिए, जो भी सजीव होंगे जिनमें वृद्धि सभी में सजीवों में होती है, अर्थात जिनमें वृद्धि होगी वो सजीव का एक कारण हो सकते हैं। क्या आपने सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं? क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए। उसके अंदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उसकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन किसे श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भी भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से वह जल में मिले वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेते हैं। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं देती हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अब बात करते हैं, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहल रहे हों तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार की अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में जाते हैं आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाते। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश कांटा उपयुक्त स्थितियों में आपको बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। याद रखिए, वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं इस प्रकार के, इसे हम लोग उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु पशु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चेतन नहीं हो जाते? जब आप चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? जब जंगली जानवर तीव्र प्रकाश डालते हैं पर तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान पर भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई हुई कि पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाते हैं, यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। क्रियाकलाप चार, एक कमरे की खिड़की जिसमें दिन के समय धूप आती हो के पास एक पौधे का गमला रखिए। इस तरह कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहिए। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता है तो ज्ञात कीजिए कि यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं। समझ में आए? सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं। सजीवों में उत्सर्जन, सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता है। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर के द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इससे अवशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव विक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के विक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं परंतु उनमें इस विक्रम का ढंग कुछ अलग होता है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। आपको बताएं एक छोटी सी स्टोरी कि मैं एक बार एक पार्क में गया, वहाँ अमरूद का पेड़ लगा हुआ था। तो 7:30 का टाइम था, 7:30 का शाम को मैं तोड़ रहा था, मैं पत्थर फेंक रहा था उस पर, तो तीन चार लोग थे, बहुत बुजुर्ग, मतलब जिनकी उम्र बहुत ढल चुकी थी, 80 के करीब, 75 से कोई कम नहीं होगा, और वो कोई रिटायर्ड ऑफिसर थे या अधिकारी थे जो भी हो। तो उन्होंने मुझे बताया, रोका मुझे, तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो बोले, बताया बेटा मैंने तुम्हें क्यों रोका? क्योंकि सो रहे होते हैं बैच, और जब 6 के बाद ने किसी भी बैच को बोले ना तो हिलाना चाहिए और ना ही बोले इनका कोई फल तोड़ना चाहिए।
और बोले फिर दूसरी कारण दूसरा बोले इसलिए मैंने रोका क्योंकि 6 के बाद कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो अपना निवास बना लेते हैं, तो बोले अगर आप पत्थर मारते हो या तोड़ते हो तो उन्हें भी डिस्टर्ब करते हो और पौधों को भी डिस्टर्ब। तो मैंने सोचा और ये सही भी बात है। आगे बात करते हैं, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड घोंसले देखे हैं? वे नीड में अंडे देते हैं, कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। देखिए ये अंडे, ये बच्चे निकल। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का रंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं डायरेक्ट, बिल बच्चे देने वाले कुछ जंतु हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गए। ठीक। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हमें उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं इस प्रकार। ठीक है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधे निकल बनना इस तरह। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। गुलाब देखा होगा आपने, गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए, आप कुछ दिनों के बाद क्या देखेंगे। कलम से पौधे बनाना सरल कार्य नहीं है। यदि आपका कलम में वृद्धि नहीं हुई है तो ये निराश हो गए। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनने के अंतराल में भी की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भिन्न भिन्न होती हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? हमें अध्याय 8 में हमने जंतुओं की गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज, संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधों के एक भाग से दूसरे दूसरे में संवहित होते हैं। क्या आपने पौधे में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना, क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं, बस, कार, काग, कागज का टुकड़ा, बादल, अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विभिन्न विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं जिनकी हमें पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जब प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न कर सकें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। हमने देखा है कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें शोषण, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। किनमें? सजीवों में। याद रखिए, क्या हम ऐसे कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें लक्षणों में कुछ में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी, नदी, खजल जल गति करता है, आकाश में चंद्रमा गति करता है, हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के सभी अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हम चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। क्या है हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हम चर्चा की है हमें हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं? उनमें से
उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें, कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरण के लिए मूंग के बीज का के बारे में क्या होता है, क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इसकी कोई वृद्धि नहीं होती, अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते। परंतु जब हम इन बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी? इसमें से उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? हमने देखा है कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि इन उनमें सजीवों के लक्षण सभी लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें जीवित कहा जा सके। फिर भी जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव हुआ है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, यह गर्मी बीजों के शोषण के कारण उत्पन्न होती है। हमने देखा है कि बीजों में शोषण की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जैव विक्रम उतने ही सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिरी जीवन क्या है का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु आप अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंदर से मुंह से निकल जाता है कि यह कितना सुंदर है। तो इसमें हम लोगों ने कौन कौन से शब्दों की परिभाषा जान ली है? अनुकूलन देखा है, जलीय आवास देखें, जैव घटक देखें, उत्सर्जन देखें, वृद्धि देखिए, आवास देखें, सजीव भी देखें, निर्जीव भी देखें, प्रजनन देखें, शोषण देखें, उद्दीपन भी देखा है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से सुना होगा या देखा होगा, पढ़ा होगा, तो इन परिभाषाओं की, इन शब्दों की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। सारांश को देख लेते हैं। किसी स्थान पर परिवेश में पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं, उनका आवास कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुकूलन। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय, जमीन पर एवं जलीय आवास जल में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न आवास में सजीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे एवं जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारी परिवेश के कुछ अजैव घटक। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे शोषण उत्सर्जन पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया प्रजनन वृद्धि एवं गति करते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो ये 9वां चैप्टर था सजीव की विशेषताएं एवं आवास के बारे में। आगे हम लोग 10वें चैप्टर में बात करेंगे गति एवं दूरियों का मापन। ठीक है।